फाइनली अभी हम घर के गणपति लेके लेने के लिए निकल गए, अभी ऑफिस के गणपति रख दिए और हम निकल गए। तुम डर से गा रहे हो ये सच बताओ। डर से तो नहीं गा रहे ना ये कि बस भगवान पहुंचा दो आज तो तुम। और ये हमारे पापा घर आ चुके हैं। मूर्ति अलग क्यों है उसकी एक अलग स्टोरी है, मैं बताऊंगी बाद में। तो इसमें कहां पता चल रहा है? वही मैं बता रही हूँ, बट स्टिल ठीक है। अभी जो हमने सोचा था खुद उनका हाइट बढ़ गया है तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने पड़े हैं, बट वो हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अकेले उठा लोगे ना बेबी? इसी पीसी थोड़ा सा और देखो, दूध दूध से बना दही, दही से बना घी, घी के बाद शहद और शक्कर, पांच चीज का पीन है पंचामृत, भगवान को लग गया तो चलो। एक बार का वो घुमा के आपने बोला था ना, दो बार तो एक बार का बचा है। एपिनम सुराचे का चंदनम प्रति राम कलश में भी लगा दो। ओम बम बरुड़ाय ओम त्वांग गंधर्वा आगे ओम माल्याधीने सुगंधेने मारत्यादीन वैपुहो मयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिहिताम। ज्यादा बड़ा हो गया महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदया। नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणप्गणना। और ये बापा का भोग बन रहा है। और ये हमने कॉपीराइट के डर से म्यूजिक को बंद कर दिया है जो कि आरती है। चुगल को बंद करेंगे क्या? तुम चुगल को मारो, ये जो वीडियो बना रही है निराली सोनी, ये चुगल को और ये हमने थोड़े बहुत फोटोज करवा लिए हैं, थोड़े बहुत वीडियोस भी करा लिए हैं।
अब थोड़े बहुत पिक्चर्स और वीडियोस हो जाए पापा के साथ, क्योंकि मैं पूरा साल यही वीडियोस वगैरह देखती हूँ और यू नो पापा को मिस करती हूँ. तो और जब मैं लो फील करती हूँ तभी भी मैं यही वीडियोस देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है. भोग बन रहा है, आज डे टू है, डे टू का लंच है पापा का. ये मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, फ्राइड राइस बनाया है, पराठे बनाने हैं, और ये है हलवा जो कि प्रसाद के रूप में बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है. और हाँ, हलवे में कभी भी ना शक्कर नहीं डालना चाहिए क्योंकि शक्कर कहते हैं बहुत रिफाइंड होता है. तो ये आप मिश्री लेके आ सकते हो और उसको ऐसे पीस के कभी भी जब प्रसाद का बनाओ ना तो ऐसा मिश्री डाला करो, क्योंकि मैं लंच में ज़्यादा यू नो मतलब हैवी लंच करवाती हूँ पापा को और डिनर एकदम मतलब मिनिमम रखती हूँ पापा के लिए, के जैसे प्लेन दाल चावल विथ कॉर्ड ऐसे, ताकि पापा को भी रात को सोने से पहले से यू नो हैवी फील ना हो ऐसे. खाना ही ठीक है भाई, पापा का प्रसाद भी थोड़ा मैं ऐसे ही रखती हूँ कि ठीक है भाई थोड़ा कम मीठा रहे, बस अच्छा रहे, पापा को भी अच्छा लगे, ताकि इसके बाद जब माता रानी आएंगी तो ऐसे हमको ऐसा ना बोले क्यों मेरे बेटे को तुमने इतना ज़्यादा अनहेल्दी खिला दिया, ऐसे बोलेंगे ना माता रानी फिर दिक्कत हो जाएगी. पर हाँ, कहते हैं सबको गुस्सा करना, सब गुस्सा हो जाए चलेगा, माता रानी गुस्सा नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए बेटर है कि उनके बेटे को आप अभी से थोड़ा हेल्दी खिलाओ, सबसे ज्यादा जरूरी है. तो फाइनली पापा का भोग तैयार है, यह है शीरा, पनीर की सब्जी, पूरी और फ्राइड राइस. सो अब हम पापा को ऑफर करेंगे और ये है उनके लिए पानी. और ये थोड़ा टाइम निकाल के मैं ऑफिस के गणेश जी के दर्शन करने आ गई हूँ. गणपति बाप्पा मौर्या. और ये मेरी दोस्त ऑफिस के बाद टाइम निकाल के पापा के दर्शन के लिए आई है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना कुछ मेमोरीज क्रिएट की जाए, तो हमने कुछ फोटोज और वीडियोस निकाल लिए हैं. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. सो आज है डे 4, ऑलमोस्ट सब चीज़ हो गई. अब मैं बस पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ. ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया. ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया. तो मेरे घर में मोस्टली पूरा दिन ये अलेक्सा पे चैंट चलता रहता है और साथ में मैं गुनगुनाती रहती हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे मन में कांस्टेंट को चलता रहता है ओम गंग गणपते नमो नमः वाला. कहते कि जब मतलब वैसे भी इन जनरल मुझे लगता है कि हर किसी को थोड़ा जाप माला पूजा पाठ सब करना चाहिए, हम कलयुग में रहते हैं राइट. अगर कलयुग में रह के आप थोड़ा सा भी नाम जाप कर लोगे ना तो कहते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो बस करते रहना चाहिए यार. बाकी बापा है, मोक्ष वोक्ष तो बात की बात है, बस हमारा प्यार है उनके लिए.
शाम की आरती हो चुकी है और कुछ फ्रेंड्स आए हैं बापा के दर्शन करने घर पे शाम को ऑफिस के बाद, बिकॉज सब काम करते हैं तो ऑफिस के बाद ही सबको टाइम मिल पाता है। और ये बनाया है मैंने उकड़ीची मोदक, जो कि पापा को बहुत पसंद है। आज फिफ्थ डे है, पापा जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा ये बनाती हूँ और ये उनको रास्ते के लिए मैं बांधती हूँ। मोदक तैयार है, उकड़ीचे मोदक, इसको बॉईल कर दिया है मैंने, बस स्टीम कर दिया है मैंने। तो अब हम सीधा जा रहे हैं पापा को सब देने के लिए। वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्मप्रधान देवता। और ये हमारे पंडित जी विसर्जन की पूजा करवाने आए हैं। हालांकि पंडित जी बहुत जल्दी आ गए, उनको और भी जगह पे जाना होता है, इट्स अ सीजन फॉर देम। तो मैंने कहा ठीक है आप 5 बजे आ जाइए, विसर्जन हम भले ही शाम को 8 बजे तक कर ले। तो ये पंडित जी ने ऑलमोस्ट अपनी पूजा फिनिश कर ली है और हमने फाइनल आरती भी कर ली। अब हम पापा को जब लेके जाएंगे तब एक और आरती करेंगे। हरि ओम ओम जमेर जगमेर जगदीवास्तान सर्वार प्रजानासन देहरायम महिमानाम सुगंधिजगमुनि साध्याहा संधिवाह नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकालो भवान च पुष्पांजलिमय तत्प्रभावेशो बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। सिद्धि विनायक देव की जय। उमा मात की जय। बाबूलनाथ महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। गुरु अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाशो, अधर्म का नाशो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। एक दो तीन चार गणपति नी जय जयकार। एक दो तीन चार गणपति नी जय जयकार। हरि माम शरणागतम पापोहम पाप कर्माम पापात्मा पातु संभव। त्राहि माम पार्वती पुत्रो सर्व पाप हरु हरो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो बप्पा अभी जा रहे हैं, 5 दिन हो गए पापा को घर जाना है, अगले साल वापस आएंगे। तब तक हम यही मेमोरीज देख के पापा को याद करेंगे और बोलेंगे जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, हम बड़े मिस कर रहे हैं आपको, है ना पापा। आई लव यू पापा। मेरे पापा सुपरस्टार है, सुपरस्टार। और मुझे बहुत पसंद है सेव पूरी खाना, तो मैंने सोचा मैं पापा को भी टेस्ट करवाऊंगी। तो मैंने लास्ट ईयर भी पापा को सेव पूरी खिलाया था, इस बार भी खिलाया है और आई एम श्योर पापा एंजॉय करते ही होंगे सेव पूरी खाना। Thank you.
और ये पापा को फाइनल बाय बोलने का टाइम आ गया है, पापा अगले साल आएंगे। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा उनको बाय बोलने का, लेकिन बोलना पड़ेगा। बस पापा अब अगले साल जल्दी आ जाइए आप। गणपति बापा मोरिया। और इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।